कार्यक्रम में आज हमारे सहयोगी लखीमपुर से लुकमान रजा हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे कि किस तरीके से आग लगने के बावजूद जिन लोगों का नुकसान हुआ था उनको अभी तक सरकार के द्वारा मुआवजा मिला है या फिर नहीं। इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लुकमान रजा जी इस समय लखीमपुर से मौजूद हैं, बताएंगे किस तरीके से लोगों को वहां पर आग का जो मुआवजा था वो अभी तक मिला है या नहीं मिला हुआ है। जी लुकमान जी बताएं। जी सर, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद लखीमपुर खीरी के समीप, जहां पे आज से 4-6 दिन पूर्व आग लग गई थी, जो कि जनपद लखीमपुर खीरी का ही नहीं बल्कि कई जनपदों को मिला लिया जाए तब भी यह सबसे बड़ा जो है आग का कांड देखने को मिला। यहां लगभग 70 से 80 घर जलकर राख हो गए और यहां पे अभी तक जो है लेखपाल या SDM या प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा सराहनीय कार्य नहीं किया गया है और ना ही कोई राहत पेश किया गया है और ना ही कोई राहत के रूप में कोई पैसा या कोई मतलब अनुदान किया गया है। ग्रामीण कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि यहाँ पे जो है देखा जाए तो यहाँ पे आज 5 दिन से जो है सभी ग्रामवासी जो है लगभग 500 से 600 की संख्या में हैं, जिनका मैंने विजुअल अवेलेबल कराया है, जो कि पेड़ की छाया के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं इस वक्त। जहाँ पर ये आग लगी है, जहाँ पर एक घटना हुई, वहाँ पर किसी सांसद या विधायक के द्वारा किसी प्रकार की कोई मदद मिली है अभी तक? जी अभी तक यहाँ पे सांसद और विधायक की तरफ से कोई भी मतलब प्रशंसनीय कार्य नहीं किया गया और ना ही कोई यहाँ पे अभी जो है पूर्ण रूप से आए हुए हैं। शासन या प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी वहाँ पर मौजूद है या फिर वहाँ पर आया है, लोगों के बात की हुई अभी तक? शासन और प्रशासन की तरफ से एक निंदनीय और बहुत ही निंदनीय कार्य किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे लेखपाल जी आते हैं और वो लोगों को अभद्रता पूर्वक यह कहते हैं कि कॉलोनी के लालच में इन लोगों ने अपना मकान स्वयं जलाया है, यह कहकर चले गए। कहीं ना कहीं लेखपाल की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जी सर, और यहाँ पे एक और समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो ये, सबसे पहले लोग जो है पेड़ के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है लाइन मैन को लगातार फोन पे फोन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है लाइट की व्यवस्था यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं सही की गई और वह बिल्कुल देखने मात्र रह गई। कहीं ना कहीं सारी सुविधाएं ठप हो चुकी हैं, चाहे वह बिजली व्यवस्था हो या फिर पानी व्यवस्था को लेकर के या फिर मकान को लेकर के, सारे ग्रामीण पेड़ों के नीचे अपना जीवन यापन बिताने को मजबूर हैं। लुकमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता लुकमान रजा जी ने बताया कि किस तरीके से वहां पर आग लगने के बावजूद किसी भी शासन या प्रशासन के अधिकारी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। लेखपाल आता है और आकर चला जाता है और ये कहकर चला जाता है कि ये आग आप लोगों ने खुद लगा ली। सोचने वाली बात है, क्या कोई अपना घर जलाकर स्वयं ही राख करेगा? देखते रहे TV1 इंडिया न्यूज के साथ, नमस्कार। मैं TV1 इंडिया न्यूज चैनल से क्राइम संवाददाता लुकमान रजा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लॉक बिजुआ के अंडर में पड़ने वाले बस्तौली में, जहाँ पे अभी जो है 2-3 दिन पूर्व जो है आग का एक हादसा, बहुत ही बड़ा हादसा देखने को मिला था और जो कि जनपद लखीमपुर खीरी का सबसे बड़ा हादसा है। और आइए देखते हैं यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने अभी तक क्या जो है प्रोत्साहन दिया है और जो है क्या मतलब इनको जो है अभी तक प्रदान किया गया है, आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। क्या नाम है भाई आपका? वाहिद। वाहिद जी, तो आप ये बताएं अभी आपको प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कुछ मिला है? मतलब कुछ नहीं मिला अभी, कुछ नहीं मिला। अच्छा, लेखपाल यहाँ मौके पे आए थे? आए थे। उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने हमारा नाम भी लिया, हम तो खैराबाद में थे, बीबी एडमिट थी खैराबाद में, कुछ नहीं हमें मिला है, सब दहेज वहेज हमारा सब जल गया है। अच्छा, लेखपाल आए और केवल जो है देख कर चले गए? देख कर चले गए, कोई मतलब नहीं बताया कि कैसे क्या होगा, कैसे कुछ क्या मिलेगा, कुछ या नहीं, नहीं मिलेगा, सब प्रधान लोग जाने क्या होगा क्या नहीं हुआ, उन्होंने नाम भी नहीं चढ़ाया हमारा। अच्छा, नाम भी नहीं चढ़ाया जी। आपका कितना नुकसान हुआ? लगभग लगभग हमारा 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा, कोई जान माल की मतलब कोई परेशान भी है घर में, कोई जला तो नहीं? नहीं जला नहीं है, बाकी तो सब रुपये जल गए, 50,000 रुपये थे वो जल गए हमारे। क्या नाम है आपका भाईजान? बहार अली जी, तो आप ये बताएं लेखपाल जो यहाँ आए थे उन्होंने क्या मतलब आपको प्रोत्साहन दिया है, कोई संतावना दी है, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे कोई आला अधिकारी आए हैं जैसे कि SDM या फिर मतलब? कोई सुनवाई ना करेंगे। अच्छा, कोई सुन ही नहीं रहा, यहाँ तक कि कोई अभी आया ही नहीं? यहाँ रुकता ही नहीं, सब वहीं चले जाते भागकर। कहाँ चले जाते हैं? अच्छा, उधर चले जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों की कोई मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स है, यानी कि यहाँ पे अभी तक कोई प्रशासन का मतलब कोई आया नहीं है? कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लगभग आज 4 दिन हो चुके हैं आग लगे हुए और यहाँ पे 70 से तकरीबन 80 घर जले हुए हैं और सभी का एक भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, फिर भी जो है प्रशासन लापरवाह। और यहाँ पे लेखपाल आते हैं
और चले जाते हैं, नहीं मतलब जो है उनको कोई मतलब मशवरा नहीं देते हैं कि कैसे क्या होगा, कुछ मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि साफ कहें तो अभी तक इन लोगों को कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मैं कैमरामैन अनमोल अवस्थी के साथ क्राइम संवाददाता लुकमान राजा।